रुकिए मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? प्रेस। ठीक है, जाइए। जावेद। यस सर। इस एरिया के हर एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दो। ओके सर। एक किलोमीटर रेडियस पर हर गली, हर रोड, हर पैदल चलने वाले रास्ते पर मुझे रोड ब्लॉक चाहिए। ऑलराइट सर। ओके सर, आई कवर अप टू सर। मैं इस वक्त स्वाति बिल्डिंग लोखंडवाला में खड़ी हुई हूँ। मेरे पीछे जो आप पुलिस का भारी इंतजाम देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बॉम्बे के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। अभी अभी यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चर फायर किया गया जिससे एक गाड़ी भी उड़ गई। आगे आगे होता है क्या हम आपको बताते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून एक्सक्लूसिवली रिपोर्टिंग लाइव फॉर टीवीएन। मीता मट्टू, लोखंडवाला, बॉम्बे। हेलो तनु, अपुन। ये लोग कह रहे कि सही कह रहे हैं लोग। मतलब तू? तनु, अपुन मरने से डरता नहीं है, पर मरने से पहले अपुन जीना चाहता था। अपना घर क्या होता है, अपनी बीवी क्या होती है, अपना बच्चा क्या होता है, ये सब कुछ देखना चाहता था। तनु, मैं तेरे से शादी बनाना चाहता था, पर अब तुझे कुछ नहीं होगा जान, तुझे कुछ नहीं होगा। अपुन भी यही सोचता था। साला अपुन कितने लोगों का सुपारी लिया, कभी ये नहीं सोचा कि अपुन को भी हो सकता है कुछ। पर आज भगवान ने अपना सुपारी दे दिया यमराज को। तेरी माँ की सारे स्नाइपर्स बिल्डिंग के छतों पर पोजीशन कर दो। सर। परमार, तुम बिल्डिंग के एंट्रेंस पे जाओ। जाओ। जी सर। उन्हें पता होने से पहले वी शुड अटैक इन फुल फोर्स। राइट सर। कवि, यू गो बैक इन। ओके सर। एंड रिमेंबर, शूट टू किल। ऑलवेज सर। किधर है तू? तू ठीक है ना? ये सब पुलिस माया। अरे भाई, तू भी ना फोकट में। रो मत, कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को। तू फिकर मत कर, तू घर जाए, अपुन आता है। तू आज जाएगा? हाँ, आज शाम को। तू रो मत। तू हर टाइम मेरे को एज बोलता है लेकिन कभी नहीं आता। आज तेरा बेटा घर आएगा। God promise। वैसे भी बहुत दिन हो गया ना तेरा वो हाथ का बनाया पूरन पोड़ी खाके। ये आई तू खिलाएगी ना? जा घर जा। मैं रखती है। हेलो अबू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फोन मत रखना अबू, खुदा के वास्ते फोन मत रखना। सुन तो लीजिए क्या कहना चाहता है। क्या सुनूं? आज तक उसने मेरी कोई सुनी है जो मैं उसकी सुनूं? अपुन गलत था अबू, साला अपुन हमेशा से ही गलत था। तुझे सही बोला था। अपुन कभी भी तेरे को और अम्मी को कोई खुशी नहीं दे पाया। बातें बना के तू क्या समझता है, हम फिर से तुझे जेल से छुड़ाने आएंगे क्या? अरे नहीं नहीं अबू, आज अपुन को वो कुछ भी नहीं मांगता है। अपुन तो बस मरने से पहले एक टाइम तेरे से माफी मांगना चाहता है अबू। मरने से पहले? ये क्या कह रहा है फातिम? अपुन सही बोल रहा है। अपुन सही बोल रहा है अबू, आज अपुन बचेगा नहीं। ये साला मामू लोग अपुन का एनकाउंटर करने को आए हैं अबू।
अपन को जिंदा नहीं छोड़ेगा ये लोग। नहीं नहीं ऐसा मत, ऐसा मत बोल बेटा, तू वापस आ जा, तेरे सारे गुनाह माफ है, तू वापस आ जा बेटा। खुदा हाफिज़। फातिम, 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 बेटा अम्मी, अम्मी से बात करें बेटा। यहाँ होंगे सर, यहाँ और यहाँ। खान, what the hell do you think you are doing? ये कोई तरीका है? This is my case, sir, और यही मेरा तरीका है। This is not your jurisdiction. लेकिन मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ और जैसे भी क्राइम होने के नाते ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर। अब अपने आदमी हटाओ और मुझे जाकर उन लड़कों से बात करने दो। लड़के आरपीजी फायर किया है उन्होंने हम पे सर, 3 पुलिस वालों को घायल किया है, कोई उनसे बात नहीं करेगा। This is insubordination, Khan. तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता सर, अपना काम करना चाहता हूँ। Khan, I am giving you final warning. मैं जानता हूँ वो लड़के सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। मैं जा रहा हूँ अंदर उनसे बात करने। Khan, how dare you? सर, JCP त्रिपाठी इज इंटरफेयरिंग इन माय ऑपरेशन सर। दो फोन उसको। राइट सर। त्रिपाठी यार। त्रिपाठी, तुम वहां पर क्या कर रहे हो? सर, मैं तो बस। किसके ऑर्डर्स पे? सर। Whose order त्रिपाठी? मैंने खान को कंप्लीट अथॉरिटी दे रखी है, वो सिचुएशन हैंडल कर लेगा। सर, तो मेरे लिए क्या ऑर्डर है? तुम दूसरों के काम में इंटरफेयर करना छोड़ दो त्रिपाठी। अपनी टांग मत अड़ाओ, तुम वापस आ जाओ, इसी वक्त यहाँ पर वापस आ जाओ। Get out of that place, त्रिपाठी। सर। माया की माँ से मिलना चाहती हैं। बुलाओ। चलो। जानती है मैं क्या कर रहा है तुम लोग? पुलिस वाला नहीं, खूनी है तुम लोग सब। तुम्हारा बेटा मदर ट्रीसा है क्या? हाँ? साहब, जाने दो, मैं समझाएगी ना, वो सरेंडर कर देगा, मैं उससे बात करेगी। तुम समझाएगी? पहले तो पूरे मोहल्ले में बड़े रोब से घूमती थी। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा गुंडा है, तुम्हारी जैसी माँ है ना, इसलिए साला वो यहाँ तक पहुँचा है। आज तो मरेगा साला। नहीं साहब, बस आज छोड़ दो, छोड़ दो, मैं बात करेगी। चली जाओ यहाँ से, वरना इस बिल्डिंग में डाल के ना तुम्हारा भी इनकाउंटर कर दूंगा, समझी? नाउ गेट आउट। कदम, सब लोग पोजीशन पर है ना? सर, इसे पकड़ा अंदर से। चल। कहाँ ले जा रहे उसे? सर, मैं इसे अंदर। इधर आओ, कम आप। I said shoot to kill. लोगों को लेके छत पे जाओ। Go.
यस सर। आ जाओ तुम लोग यहां। वो ऊपर है, तुम वो प्लैंक लो और उस छत तक लगाओ और तुम कवरिंग फायर देना। 1, 2, 3
पांडु बस क्या? जावेद शेख, दो दिन में बाहर आ जाऊंगा, दो दिन में। जिंदा अभी तक? नो वंडर ह्यूमन राइट्स वाले वांट योर हेड। बाहर मोर्चा लेके आए। हाँ हाँ, ये लोग जो सड़कों पर खुले आप घूम सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, क्योंकि मुझ जैसे लोगों ने उनको यह आजादी दी है। वरना इस देश में कई जगह ऐसी हैं जो डर के मारे घर पे छुप के बैठना पड़ता है अपना मुंह बंद रखकर। मुझ जैसे लोगों की वजह से आज क्रिमिनल्स में पुलिस का डर तो है, कोई किसी का खून करने से पहले दो बार सोचता तो है। ये माए और बुआ क्या है, इनका जिंदा रहने से किसी का क्या फायदा हो सकता है? प्लीज टेल मी मिस्टर डिंगरा। Your Honor, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने क्लाइंट ACPSS खान के साथ कुछ भारी डिस्कशन में रहा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं इस केस के बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, ना ही मैं कोई सबूत पेश करना चाहता हूं, ना ही कोई गवाह। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, वन क्वेश्चन, इस अदालत से, इस समाज से, इस देश से, सिर्फ एक सवाल। यह सवाल कोई कानूनी नहीं है, यह सवाल है आपके और मेरे परिवार के बारे में। योर ऑनर, आपका भी एक घर है, आपकी फैमिली है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं। इस वक्त आपकी बीवी बच्चे घर में अकेले, और आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेकर के खड़ा है। आप क्या चाहेंगे कि वो आदमी कौन हो, और आप लोग क्या चाहेंगे अगर आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेकर के खड़ा है, तो आप क्या चाहेंगे कि वो कौन हो? माया, बुआ, या ACP शमशेर खान? इस मामले में योर ऑनर, मैं नहीं चाहता कि आप कोई लंबा चौड़ा फैसला सुनाएं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे इस आसान से सवाल का आसान सा जवाब दे दें। That's all, Your Honor. Thank you. High Court ने शूटआउट लोखंडवाला केस में अपना फैसला सुना दिया है। ATS के सभी मेंबर्स को निर्दोष पाया गया है। आप इसे प्रोसिक्यूशन की कमजोरी समझिए या एक्स चीफ जस्टिस डिंगरा का जबरदस्त डिफेंस, क्या ये इंसाफ है? या लोखंडवाला में जो पुलिस ऑफिसर्स ने 6 लोगों को मार गिराया वो इंसाफ था?
बॉम्बे पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की आज जीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला होना बाकी है। जो खान और उनके साथियों ने किया वो सही था या गलत, और ये फैसला आपको करना है, इस देश के लोगों को करना है।